हेलो सुपर फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए ये नया गेम लेकर आया हूँ, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन सीडी। जो मेरा पिछला वीडियो था वो था साइबर हंटर, तो उस वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट किया कि यार सीडी पे एक वीडियो बना। तो वैसे तो मेरी सीरीज चल रही थी साइबर हंटर पे, तो उस बंदे के कमेंट पे ही सिर्फ मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। कमेंट तो करना ही करना, कमेंट और लाइक करते हो तो इससे मोटिवेशन मिलता है यार, कर दिया करो। और ये आपका नया गेम प्ले है और मैंने भी अभी नया नया ही डाउनलोड किया है। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि डाउनलोड के बाद आपको कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आपको भी कोई नया गेम का गेम प्ले चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और मैं आपके लिए वो गेम लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पे अपना गेम शुरू हो चुका है और जैसा कि पबजी वगैरह फ्री फायर वगैरह उसमें दिखाया जाता है वैसा इंटरफेस यहाँ भी है। एक बंदा है हमारे पास, ये हमें, और यहाँ पे आप फ्रेंड्स को भी अपने साथ ले सकते हैं। वैसे अभी मैं इसमें नया हूँ तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं सोलो खेल रहा हूँ और मैंने ये ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे तो हमारे पास एक पेट भी है यार, ऐसा तो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे अपना गेम स्टार्ट हो चुका है और ये आ चुका है हमारा एरोप्लेन और हमें अब जंप लगाना है सिर्फ। तो मैप में देखते हैं कि कहाँ कूदें। वैसे मैं नया हूँ तो मैं कोई सी भी जगह नहीं जानता हूँ कि जहाँ मैं अच्छी लूट मिलेगी, तो मैं कहीं भी कूद जाऊँगा। अब मैं अपने पेट के साथ कूद चुका हूँ और देखते हैं, पेट के भी उस सर पे पंखा है। और जैसा कि आपने देखा इसमें पैराशूट तो एकदम अलग है, बाकी सब गेम से एकदम डिफरेंट पैराशूट है और पबजी लाइक में ऐसा पैराशूट नहीं मिलता है। ये साइड वाला बटन किसका है, ये दबा के देखे थे यार। 2 3 ओह, इस बटन से हमारे पैराशूट की स्पीड तेज हो गई है, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है पैराशूट अपना। मैंने इस घर के सामने जंप कर दिया है और ये क्या है, यहाँ तो पेंगुइन भी है, बहुत फनी है ना, अच्छा है।
वैसे आमतौर पर पेंगुइन घरों के अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन इस गेम में है। तो अब हम छत पे चलते हैं, देखते हैं क्या लूट मिलती है। एकदम नया गेम है ये। क्या यार, गेम के अंदर केला कौन खाता है? केला खा के सीढ़ियों के अंदर छिलका फेंक दिया और मैं फिसल गया। देखो, देखते हैं अब क्या होता है। चोट तो बहुत लगी है। लो यार, यहाँ पे भी एक पेंगुइन खड़ा कर दिया। ये क्या है यार, बार बार पेंगुइन क्यों रखते हैं यहाँ? ये कोई डॉग वॉग टाइगर वाइगर ऐसा कुछ रखते तो यार कुछ अच्छा भी लगता। पेंगुइन, ये क्या है यार, यहाँ भी एक। ये बार बार पेंगुइन। तो इस गेम बनाने वाले को पेंगुइन से बड़ा प्यार था। मेरे आसपास एक बंदे के पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं मैप के अंदर। देखता हूँ वो कौन है। वैसे मैं चल के तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं अभी नया हूँ और अगर उसने मेरा किल कर दिया तो मेरा गेम प्ले यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये है कौन यार, काफ़ी देर से परेशान कर रहा है। काफ़ी देर से इसके पैरों के निशान अब आसपास आ रहे हैं। जब मतलब बाल्टी उठा के मारेगा सर पे पास आया तो। कुछ नए लोग तो यार इन पेंगुइन को भी देख के डर जाते होंगे कि यार ये रहा एनिमी, उड़ा दो साले को। तो इस गेम में खिड़की से जंप नहीं होता है ना, खिड़की एकदम सील पैक करके रखी है, कोई नज़ारा भी नहीं देख सकता बाहर का। मेरा एनिमी उधर देख रहा था मैं, मैंने पीछे से आकर गन चला दी इस पे और ये गया। बहुत जल्दी मर गया यार इसमें तो। ये दीवार इसने कैसे खड़ी करी यार, मैं भी देखता हूँ कोई आसपास बटन दबा के। हाँ ये हो सकती है। रुको, इसको लगता है दबा के रखना पड़ेगा। हाँ ये होगी। वाओ, सेटिंग अच्छी है। अगर कोई भी एनिमी आसपास से आए तो दीवार बना लो अपने आप। इसने मुझ पे गोलियाँ चलाना शुरू कर दी है। लगता है उसके पास स्कोप है और मुझे स्कोप लगानी तो नहीं आती है अभी, तो मैं उसका बड़े आराम से सामना भी नहीं कर सकता। उसने भी दीवार खड़ी करके रखी है। देखता हूँ मैं उसको पीछे से जाके मार सकता हूँ तो। उसने तो और गोलियाँ चलाना शुरू कर दी। लगता है अपना गेम प्ले यहीं तक रहेगा। देखो, मैंने दीवार के अंदर गोलियाँ दाग के छेद तो कर दिया है और ये भाई यार ये इसको मार दिया यार। कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।